हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। विच अमंग द फॉलोइंग कंप्राइजेज द मोटो ऑफ द सीबीआई। सीबीआई के मोटो को कौन कौन सा इसमें है जो कंप्राइज करता है? तो इम्पार्शियलिटी, इंडस्ट्री, इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीनों ही करते हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सीबीआई का जो मोटो होता है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। Who appoints the chairman of the National Commission for Scheduled Tribes? Scheduled Tribes जो का Commission for Scheduled Tribes जो है उसके chairman को appoint करते हैं President, okay? और their conditions of service and tenure of office are also determined by the President of India. With regard to Jammu and Kashmir reorganization bill 2019, what reason have been cited for the creation of two new union territories? So जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के अनुसार क्या रीज़न था जो दो न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी? तो इसका रीज़न था इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख टू गिव इट स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये तीनों के दोनों ही रीजन थे। सो द आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। Which of the following article has the provision of the participation of workers in the management of industry? तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है participation of the workers in the management of industry? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 43A, ओके? Which among the following document is presented in the parliament as per mandate of article 112? तो आर्टिकल 112 में जो दिया गया है कौन सा डॉक्यूमेंटेड है, मतलब इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंटेड है आर्टिकल 112 में? तो ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में दिया गया है। डिमांड्स फॉर ग्रांट दिया गया है आर्टिकल 113 में। अप्रोप्रिएशन बिल दिया गया है आर्टिकल 114 और सब क्लॉज 3 में दिया गया है। फाइनेंस बिल दिया गया है आर्टिकल 110A में दिया गया है, ओके? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पावर्स है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है द मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब ऑर्डिनेट टू एग्जीक्यूटिव पावर्स, ओके? In which of the following situations a president can establish interstate council? किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल establish करता है? तो ये सिचुएशन है when it appears to him or her that it would be serving the public interest। जब पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है ऐसा उसको लगता है तो वो इंटरस्टेट काउंसिल को establish कर सकता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में दिया गया है। By which among the following diarchy was introduced in India? India में diarchy का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है double government। और इसको introduce किया गया था Government of India Act 1919 में। Answer is C। The Mandal Commission was constituted during the tenure of which among the following prime minister? तो किसके कौन से प्राइम मिनिस्टर थे मंडल कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो उस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर थे कौन? मुरारजी देसाई। आंसर इज बी। और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 20 दिसंबर 1978 को, ओके? बीपी मंडल उसके मतलब चेयरमैन बने थे, जो कि पार्लियामेंट में मेंबर रह चुके थे बीपी मंडल जी। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है मेंबर्स का उसको हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। सो द आंसर इज बी, ओके? That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.